गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा जा रहा, इतना ज्यादा तूफान है। ये देखिए आ जाइए और टेस्टी टेस्टी खा लीजिए। मेरे लिए वो है जब कोई बोल देता है कि यार मैं बहुत खुश हुआ, मैं मूड नहीं ठीक था और मैंने आपको ब्लॉग देखे, तो गाइस उसके अलावा उसके ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या ही बताऊँ आपको, देखिए बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, ये देखो। ओहो, इन्हीं फालतू बातें, इन्हीं बम्बे वाले काम से मैं एक ना एक दिन अपना जो मुझे अचीव करना है वो करके रहूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस ये देखो, सो गाइस अभी ये देखो, ये मैंने मंगाया था एक रोल, ये चल रहा है बहुत टेस्टी है, खा के देखिए आप। ये कहते हैं शिमला मिर्च, इन्हों हरी पता है शिमला मिर्च है, लाल रंग की शिमला मिर्च, लाल रंग की है जी शिमला मिर्च, लाल रंग की भी होती है शिमला मिर्च। क्या ये सच है, आधी हकीकत आधा है फसाना, निकल गया ही आधी हकीकत आधा है फसाना। गाना बंद, ओ फंकान बंद हो गया मेरा, नॉइज कैंसलेशन ऑन हो गई, ऑन हो गया, बाहर खुल गया सब नहीं आंदे यार, की करिए अमली बंदे नहीं बंदा उसे। तो गाइस आ जाइए और टेस्टी टेस्टी खा लीजिए। रो वाल वाल कटा दे काल मेरे अर गई, मैं भी कटाने ना ठंडी आ रहा है इस बार। आपको पसंद आ गया देसी घी पूरा, देसी घी तो ठीक है लेकिन रोटी तो खाई नहीं जा रही। और बताइए कोई बात, बाबा कैसी जा रही है आपकी लाइफ, बहुत बढ़िया जा रही है, सीधा रहा है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, सीधा रहा है टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, रहा सीधा है लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों क्या हो रहा है ऐसा, दादे 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 कर दे जल्दी गल कर दे शेर, फिर मां चल छड़। हां हां, सो गाइस आज कोशिश तो मैंने पूरी की आपके लिए एक अच्छा सा और प्यारा सा व्लॉग बनाने के लिए, पर बोलते हैं ना भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो वो चीज़ नहीं होती, जिससे उल्ट हो जाती है। वैसे भी हमारे साथ तो ऐसा होता ही रहता है कि अगर हम कुछ सोचेंगे ना, अगर प्लान करेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी, वो हमें ना तो अगर आपका कुछ खाने का मेरा मन है ना, वो चीज़ नहीं मिलनी, सारी अंबर सारा बट्टी जितने मर्जी फेर लो वो चीज़ नहीं तुम मिलनी। पर चलो जो भी है थोड़ा जहा तुम जोड़ के जिदा भी दिखाऊँगा। तो सो गाइस अभी हम जा रहे हैं पिज्जा लेने के लिए, ठीक है, तो अभी पिज्जा खाते हैं तो इन्जॉय करते हैं। तो चलो ये दिखाता हूँ, मैंने सोचा यही दिखाऊंगा आपको, फिर और क्या है। तो बाकी अभी थोड़ी से आपको पता ही है, क्या बताऊँ अभी, इधर उधर हुआ पड़ा है सब, सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो चलो पिज्जा खाते हैं और ये देखो पिज्जा लेने आए, पिज्जा खा के फिर करते हैं मजे। वाह जी वाह, सो हेलो गाइस। सो गाइस पता है क्या क्या है बात, अभी ना आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि बहुत कुछ मतलब ऐसे जैसे लाइफ में अच्छे अच्छे जा रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे बोल देते हैं कुछ कैसा करके वैसा जो भी कुछ है ना, चलो आपको क्या ही बताऊँ अभी, तो उससे की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार मन ख़राब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, बाकी सभी ओके। तो चलो हम क्या करते हैं, हम कमेंट पढ़ के आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो मेरे कमेंट पढ़ते हैं, जो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा सच्ची दिल में मुझे सुकून मिलता है, तो सबसे पहले उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, ठीक है, जो कमेंट वगैरह करते हैं। हम आपके लिए बहुत कुछ चला रहे हैं, अभी बस थोड़ा सा टाइम हमें दे दो, थोड़ा सा टाइम दो, हम आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा कुछ चला रहे हैं। जो जहाँ है ना राम जी की कृपा है, जब यहाँ आ गया ना आपके फ़ोन में, जो जिस दिमाग में जिस दिन राम जी की कृपा में आपके फ़ोन में आ गया ना, बस उस दिन सुकून चाहिए, अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं आपको वो सब चीज़ें अच्छे 100% करके दे सकूँ, अभी हम कर सकते हैं, पर वहाँ अच्छा अभी पूरे 100% नहीं हम आपको दे सकते इस टाइम ना, अभी हम आपको 100% नहीं दे सकते, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं कि आपके साथ अगर हम आपको कोई चीज़ दें तो उससे 100 हमारा 200% हो, पर आपको 100% तो कम से कम मिले, इसलिए हम कुछ चीज़ें अभी रोक कर बैठे हुए हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है आगे, बहुत ज़्यादा कुछ आएगा, आपको हंसाएँगे भी, आपको इमोशनल भी वैसे वाला नहीं भी, आपको कभी बुरा जहाँ हट नहीं करेंगे वैसे, आपको भी आप अगर हमारे साथ जब अटैच हो जाओगे फिर आपको सभी चीज़ें बताएंगे, सब कुछ करेंगे, अभी बहुत कुछ आ रहा है,
तो आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ हर बार ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ करने का, कुछ आपको हंसाने का, ऐसे मजाक हंसी मजाक करके कुछ ना कुछ करने का। तो कई बार आपको पता है जो लाइफ है क्या ही कर सकते हैं, अभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये देखो जैसे ये कमेंट आया है कि जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाया करो, जल्दी जल्दी अपलोड करा करो। सो मैम हम जल्दी ही करते हैं, पता क्या है नहीं कर दिए सर ऑर्डर, हाँ जी। सो मैम हम जल्दी ही बनाते हैं और जल्दी अपलोड करते हैं। इससे पहले भी यहाँ ये ब्लॉग से पहले दो ब्लॉग पड़े हुए हैं मेरे पास, पर कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा लेट होता है, सॉरी। बाकी ट्राई पूरी है कि जल्दी से ब्लॉग बना के आपको जल्दी से डालूँ, ठीक है। तो आप भी जल्दी से शेयर भी किया करो, ठीक है, कि आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरा ये फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड देख सकती है, इसको अच्छा लग सकता है, या आपको अच्छा लगा हो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो भी, हाँ वो भी हंसे या जो भी है जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हेलो हेलो किया चाहते दोस्तों साडा मार आगे। सो गाइस ऐसे जो बहुत ही बहुत ज़्यादा कैंट। सो गाइस जब ऐसे आप जब कोई भी मेहनत करते हो ना, आप घर में कुकिंग करते हो ना, कुछ कोई चीज़ कुक करते हो आप, जब घर वालों को टेस्ट करवाते हो, तो वो अगर बोलते हैं ना भी बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, ठीक है, तो आपके जो दिल में सुकून मिलता है, मतलब मेहनत करने के बाद जो कोई बोल देना तो सारी मेहनत भूल जाती है भी मैंने क्या किया क्या नहीं। वैसे भी मेहनत तो हमारा फर्ज है, हम करेंगे तो फिर ही आगे जाएंगे। अगर मेहनत करेंगे कल को फिर ही खाना खा सकते हैं, ऐसे तो नहीं भी हम ऐसे बैठ के चलो जी आ ही जाएगा सब कुछ। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, वो नहीं मैं बता रहा, बट जो मेहनत करके उसका जो फल मिलता है, जैसे आप बोलते हो, जैसे ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, तो उसका आप कभी नहीं समझ सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की, और मुझे कितना ज़्यादा मोटिव मैं होता हूँ भी हाँ नहीं यार करना ही करना, करना ही करना, ठीक है। तो बस अभी कुछ लोग हैं जो हमें जानते भी नहीं हैं, ठीक है, जिन्हें हमारे नेचर वगैरह जो कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो वो भी ऐसे बोल रहे हैं ये फुकरे हैं फलाने, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई बोलने की जाँच नहीं, इनको कभी हिंदी कभी पंजाबी, तो ऐसे बहुत कुछ है, ये क्या है, ऐसे ब्लॉग थोड़ी होते हैं, ये फलाने होता है, ठीक होता है। तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ बोला गया, ये बम्बे वाले काम है, दिल्ली वाले काम है, यहाँ नहीं चलेंगे, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, बंद कर दो ये सब चीज़ें। तो एक ना लाइफ गोल होता है किसी का, जैसे लाइफ गोल होता है ना कभी बंदे का भी, हाँ यार मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो जब अपने सपनों के पीछे भागता है ना, तो बहुत जाने आते हैं उसे रोकने वाले भी या उसे गिराने वाले, पर जब कोई एक ही आके बोल देता है नहीं यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो तुम करो, तो जो तब बंदे की मोटिव या वो जब उसको जो बंदा है ना वो जो एक आके बोल दे बुरे टाइम में भी नहीं यार जब तुम्हें सब गिरा रहे हो और एक बंदा आके बोल दे ना कि नहीं यार तू कर सकता है, तू करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू ये चीज़ करता है, तो गाइस वो ना सीधा दिल में लॉक हो जाता है वो बंदा भी, हाँ यार मुझे याद है भी इस टाइम नहीं जब मुझे सभी बोल रहे हैं कि नहीं ये बम्बे वाले काम है दिल्ली वाले काम है यहाँ कैसे चलेंगे, तुम अपना काम में धंधा ढूंढो, ये मत करो, ये फुकरी बाजी है, ये फलान बाजी है, बोलना तुम्हें आता नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जब कुछ लोग बोलते हैं तो हट तो चलो होता ही है ना, ठीक है, बट जब मेहनत करके कोई बोल देता है भी यार बहुत ही अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा हमें लगा, सबसे स्पेशली मेरे लिए वो है जब कोई बोल देता है कि यार मैं बहुत खुश हुआ, मैं मूड नहीं ठीक था और मैंने आपको ब्लॉग देखे, तो गाइस उसके अलावा उसके ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई गोल्डन प्ले बटन नहीं है, कोई फैन फॉलोइंग नहीं, कुछ भी नहीं है, जब कोई ये बोल देता है कि मेरा मूड नहीं ठीक था, मैंने आपके ब्लॉग देखे और मैं बहुत खुश हुआ, तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बाकी राम जी की कृपा है, आगे भी ऐसे ही ब्लॉग आएंगे, कोई जो भी बोले हमें किसी का नहीं है ना, छोड़ो अगले की मर्जी, अगले को नहीं पसंद आए हमें भी कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, ठीक है, बाकी हम उन्हें कुछ नहीं कहते, बाकी देखो ना देखो उनकी मर्जी है, पर जो देखते हैं जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि यही टाइम होता है जब कोई किसी को ऊपर ले जाने में हेल्प करता है ना, तो यही टाइम होता है जब, कल को तो सभी आ जाएंगे यार, कल आज नहीं दो साल तक ना बहुत जाने आ जाएंगे, आई नो कि दो साल तक बहुत जाने ने आ जाना, पर जो मेरे साथ इस टाइम है ना जो आज है मेरे साथ उनके मैं कभी बोल नहीं सकता, वो मेरे लिए वो कमेंट करते हैं मेरे लिए आसान बन जाता है भी हाँ मुझे इन्होंने एहसान कर दिया मेरे पे, एक आप कमेंट करते हो पर मेरे पे वो एहसान है भी हाँ मुझे यार इस टाइम में मुझे कोई मोटिव कर रहा है, बाकी कोई नहीं समझ सकता, किसी का कोई ये नहीं समझ सकता यार ये क्यों कर रहा है, हर किसी की एक मेहनत के पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है, कुछ उसका होता भी नहीं यार मैंने ये चीज़ पानी है फलान करना ठीक करना, मेरे भी सपने थे, मेरे सपने बहुत बड़े थे नहीं भी चलो अभी भी हैं कुछ हैं अभी तक, तो मेरे सपने भी ऐसे ही थे, फिर मैंने क्या किया कि मुझे किसी ने बताया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ,
जब से ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है उससे एक वीक पहले तक मुझे कभी पता भी नहीं था भी व्लॉग क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या व्लॉग में करते हैं, क्या नहीं करते। आज तक भी मेरे से अच्छे व्लॉग सही 100% नहीं बन रहे, ठीक है। बाकी आपको अच्छे लग रहे हैं वो तो आप अच्छे हो, आपको इसलिए अच्छा क्या बोल रहे थे कि ऐसे ये बम्बे वाले काम है, दिल्ली वाले काम है, यहाँ नहीं चलते, प्लान करते, टीम करते, अपने करियर पर ध्यान दो, ये फ्री फालतू बातें, फ्री बातें ये। पर एक बात अभी भी बोल दूँ, इन्हीं फालतू बातें इन्हीं बम्बे वाले काम से मैं एक ना एक दिन अपना जो मुझे अचीव करना है वो करके रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने अपना दिया कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें गलत है, नहीं चल सकती है ना, पर मेरे से मैं राम जी की कृपा से और अपनी मेहनत से इसे चला के दिखाऊंगा। मुझे है भी बोल दो अड़ी है ना कि चलानी है तो ये चलानी है, चलेगी राम जी की कृपा से, चलेगी चलेगी। बम्बे में है ना तो आप बोलते हैं बम्बे की है, दिल्ली में चलते हैं ऐसी चीज़ें, यहाँ इंडिया पंजाब में नहीं चलती, तो पंजाब में चलेंगी, हिंदी चलेंगी, हिंदी पंजाबी मिक्स ही चलेंगी। तो यही एक होप है और इसी होप पे दुनिया कायम होती है, तो हम भी इसी होप पे चल रहे हैं। बाकी राम जी की कृपा है, अगर उन्होंने इस लाइन में डाला है तो कुछ सोच के ही हमें डाला है, ऐसे नहीं उन्होंने डाला। तो बाकी एक फिर से बात करूँगा, सपोर्ट करने वालों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा। तो चलो गाइस, ज़्यादा सीरियस हो गए, ज़्यादा बातें कर दी आप सब दिल की, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको अंदर से ये दिखाता हूँ, ठीक है। और बाहर तूफान आ रहा है, चलो आपको दिखाऊं, बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया गाइस, ये देखो क्या बन गया, जो है देखो गाइस तूफान आ गया, तूफान आ गया गाइस, ये देखो धुआं धुआं हो चुका है सारा। अंधेरी राहतों में अंधेरी आ रही है बहुत ज़्यादा, और अपने घर में छुप जाइए आप जाकर, ठीक है। ये क्या लिखा है, बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा, मुझे तो एक ही दिया उन्होंने, देखिए जाके, ये तो धक्का कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये देखिए गाइस अंदर से कितना अच्छा बनाया है, आपको अच्छे से दिखाऊं, ये देखो सारा दिखाता हूँ, सो गाइस ये देखिए कितनी ज्यादा देरी आ गई बार, ओ हो हो, ये क्या बन गया, ये देखो गाइस देरी रातों में सुनसान, ओ लाइट भी चली गई है, आ चुक लिए। तो चलो गाइस चलते हैं, तो साथ है हम इसीलिए पिज्जा तो आ गया, तो चलो अभी देरी रातों में इतने तूफान में पिज्जा लेके जा रहे हैं हम, ये देखो पिज्जा के कट्टे ना भर जाना, चलो 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 गाइस चलो, तो गाइस ये देखिए ये हाल, इतनी तूफान है, तो इतना तूफान आ रहा है क्या ही बताऊं आपको, मजा आ गया पूरा तूफान देखो, आप रोला आ गए गाइस, बड़े ही बुरे हाल जहाँ। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा तूफान आ रहा था, तो फिर हम बस आ गए वापस बैठ के अपनी गाड़ी में दवा दो, तो कोई शूट वगैरह तो क्या ही करना था वहाँ तूफान में। तो गाइस बस ये बात थी कि मैंने बहुत सारी बातें की आपसे, आई नो, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या बोला क्या क्या नहीं, तो जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत अजीब लगा वो मैंने कट कर दिया, बाकी आपके पास आ चुकी हैं, आपने देख ली सुन ली, तो अगर कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। बाकी आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा सीरियस था, तो बाकी आपको न्यू व्लॉग दिखाते हैं हैप्पी मज़े वाला। तो ओके गाइस बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बहुत जल्दी, और ओके गाइस बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।